भारत का INSTC देख चीन के सीपेक की बत्ती गुल हो जाएगी। आज भारत ने अपने सच्चे दोस्त रूस के साथ मिलकर चीन के साथ जो कांड किया है उसे कभी भूल नहीं पाएगा चीन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस भारत का हमेशा से तगड़ा वाला मित्र रहा है। दोनों की दोस्ती कई दशकों पुरानी है और ऐसी दोस्ती देख आज बड़े बड़ों की जल रही है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच भारत ने दुनिया भर के तमाम डिप्लोमेटिक प्रेशर के बावजूद तटस्थता दिखाते हुए रूस से अपनी दोस्ती को साबित किया है। ऐसे में रूस को भारत के ऊपर इतना भरोसा हो चुका है कि जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता, और रूस अब भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। रूस ने ऐसे संकेत भी दिए हैं कि अब चाहे जो हो जाए, रूस कभी भी भूल से भी भारत का विरोध नहीं करेगा और भारत की जी तोड़ मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसे में अब रूस भी अपने दोस्त भारत को तेल देने से लेकर नए रूट तक बना रहा है ताकि भारत को प्रॉफिट पहुंचा सके। सोचिए, भारत की मदद के लिए इतने बड़े कदम तक उठा सकता है रूस। रूस ने भारत के लिए नया कारोबारी रूट बनाया जिस पर पहली बार रूस की ट्रेन भारत के लिए माल लेकर ईरान पहुंची, जहां से समुद्री रास्ते द्वारा आसानी से माल भारत लाया जा सकेगा। जून महीने में अमेरिका समेत पूरा यूरोप ये सोचकर टेंशन में रहा कि लाल सागर को घेरकर यूक्रेनी अनाज के निर्यात पर रूस नाकेबंदी लगा सकता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और वो बात थी एक अलग व्यापार मार्ग का निर्माण करना। अब आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है INSTC, जिसने अमेरिका से लेकर चीन के दिल में आग लगा रखी है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि INSTC एक 7200 किलोमीटर लंबी ट्रांसपोर्ट परियोजना है। इससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मिड एशिया और यूरोप के लिए रूस द्वारा आसानी से माल भेजा जा सकता है। भारत को भी इस परियोजना से बहुत तगड़ा लाभ होगा, इसलिए भारत भी इस परियोजना का हमेशा से समर्थन करता आ रहा है। जानकारी के मुताबिक सरखास रेलवे स्टेशन से भारत के लिए भेजे गए माल की खेप को करीब 1600 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का यूज करते हुए ईरान में बंदर आबास नाम के पोर्ट पर ले जाया गया, जहां से इसे समुद्री मार्ग से भारत भेजा जाएगा। रूस पर लगाए गए सख्त पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूस का कई देशों के साथ संपर्क बाधित हो गया है, और कई देश पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ भी नहीं जा सकते, जिनमें खुद भारत भी शामिल है। लेकिन INSTC इन प्रतिबंधों से अछूता है, और रूस के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया गया जिसके जरिए रूस काफी आसानी से व्यापार कर सकता है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले ये होता था कि रूस से सामान मंगवाने के लिए भारत जर्मनी के रास्ते का इस्तेमाल किया करता था, जो भारत के लिए महंगा पड़ता था। लेकिन पिछले महीने INSTC मार्ग का इस्तेमाल करने को लेकर रूस, भारत और ईरान में सहमति बन चुकी है, और जून महीने में पहली बार INSTC कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए भारत ने बंदरगाह के माध्यम से INSTC का उपयोग करके रूस से सामान मंगवाया। अरब सागर के बंदरगाह नहवा शेवा से होकर गुजरने वाले INSTC मार्ग के जरिए भारत ने रूस से जून महीने में 39 कंटेनरों से भरे शिप को मंगवाया। ये तो बस शुरुआत है। इस महीने की शुरुआत में पूर्व सोवियत देशों और बाल्टिक्स में सबसे बड़े मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर RZD लॉजिस्टिक्स ने INSTC के साथ एक नई कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की, और 2030 तक INSTC कॉरिडोर में हर साल लगभग 25 मिलियन टन माल ढुलाई की क्षमता होने की उम्मीद है, जो यूरेशिया, दक्षिण एशिया और खाड़ी देशों के बीच कुल कंटेनर यातायात का 75% होगा। अगर भारत INSTC का इस्तेमाल करता है, जो मध्य एशिया, कैस्पियन सागर, ईरान और अंत में अरब सागर होते हुए ये कॉरिडोर गुजरती है और 7200 किलोमीटर का लंबा रास्ता बनाती है, जिससे भारत को काफी फायदा पहुंचता है। पहले वाले रास्ते में भारत तक सामान पहुंचाने में 40 से 60 दिनों का वक्त लगता था, मगर इस नए कॉरिडोर से सामान पहुंचाने में सिर्फ 25 से 30 दिन ही लगेंगे, और माल ढुलाई में लागत तकरीबन 30% तक कम हो जाएगी, जो एक बड़ा फायदा है। भारत के लिए INSTC कॉरिडोर बहुत रणनीतिक महत्व भी रखता है, क्योंकि एक कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को सीधे तौर पर दरकिनार करते हुए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच प्रदान करता है। साल 2016 में भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेहरान यात्रा के दौरान ईरान के चाबहार बंदरगाह पर बर्थ विकसित करने के लिए $85 मिलियन निवेश और $150 मिलियन का सॉफ्ट लोन ईरान को देने की घोषणा की थी। भारत चाहता है कि INSTC में चाबहार को भी शामिल कर लिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो ईरान के चाबहार पोर्ट, जिसे भारत ने बनाया है, वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बन जाएगा, जिससे आने वाले वक्त में भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा।
पिछले कुछ महीनों से INSTC कॉरिडोर को लेकर रूस में भी मांग काफी तेजी से बढ़ी है और भारत के साथ व्यापार भी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल और मई महीने में रूस से भारत के आयात में लगभग 272% की वृद्धि हुई और दोनों देशों के बीच का व्यापार जो अभी तक 8 से 11 अरब डॉलर के बीच रहता था वो सिर्फ 2 महीनों में ही 5 अरब डॉलर को पार कर चुका है। हालांकि इसमें भारत ने सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात रूस से किया जो भारत को कम कीमत पर मिल रही है। इसके साथ ही भारत ने रूसी उर्वरकों का भी आयात 800% बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये तो था रूस का वो मास्टर प्लान जिसे देखते ही देखते सभी दुश्मनों को चित कर दिया कि आज की राजनीति में इस तरह कैसे दो दोस्त दोस्ती निभा सकते हैं। संकट के समय में भारत जब रूस की मदद किए जा रहा था तो बहुत से लोग भारत को कोस रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को पता था कि रूस को ये मदद आगे जाकर भारत के लिए कितनी अहम साबित होगी। भारत के रुख में स्थिरता से अमेरिका भी समझने लगा कि उसकी रूस पर निर्भरता रातों रात खत्म नहीं हो सकती। अगर ऐसा संभव होता तो यूरोप भी रूस से तेल निर्यात को रातों रात घटा देते या पूरी तरह बंद कर देते। भारत ने हर मंच पर रूस से तेल के आयात को लेकर पूछे गए सवालों का काफी दृढ़ता से जवाब दिया है, जिससे अमेरिका को समझ आ गया कि इस मुद्दे को छेड़ते रहने से हासिल कुछ नहीं होने वाला। अलबत्ता भारत के दूर हो जाने का खतरा जरूर पैदा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के पास भारत के साथ मिलकर काम करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। यही बात भारत के लिए भी सही है। कुल मिलाकर कहें तो भारत की दृढ़ता ने अमेरिका की आंखें खोल दी। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने खुले मन से स्वीकार किया कि भारत ने रूस के साथ संबंध तब जोड़े जब अमेरिका उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को जरूरी नहीं मान रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने रूस से हथियारों की खरीद के लिए भारत पर काटसा के तहत पाबंदियां लगाने के बारे में अंतिम फैसला नहीं लिया और अब भारत के लिए अमेरिका की संसद ने धमाकेदार फैसला किया और भारत को काटसा से मुक्त कर दिया। अब भारत को अमेरिका के प्रतिबंधों से किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अगर अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूर हो तो उसे पाबंदियों और दबाव के दुष्चक्र चलाने की जगह मदद के हाथ बढ़ाने होंगे। भारत चाहेगा कि उसे अमेरिका से न केवल अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित हो बल्कि उनसे जुड़ी तकनीक भी मुहैया हो जाए। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।